मैं एक चीज आपको आगाह करना चाहता हूं, पिछले 4-5 दिन में जब से ऐलान हुआ है चारों तरफ फैल गया, अब तो सातों सीट केजरीवाल की आ रही है, अब तो सातों सीट केजरीवाल की आ रही है। ये सोच के घर नहीं बैठना कि अब तो सातों सीट केजरीवाल, ये बड़े खराब हैं, ये बड़े बदमाश हैं, है ना। कोई कहता है ईवीएम का रखी है इन्होंने, ईवीएम भी कर रखी है तो 10% कर रखी होगी, हम इनसे 20% वोट ज्यादा लेके आएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, तो अब आपकी तीन जिम्मेदारियां दे रहा हूं मैं। एक तो एक एक महिला वोट डालने जाएगी, ठीक है। जो बीजेपी वाली महिलाएं हैं उनको भी कह देना काम तो तुम्हारा भाई आएगा, ये बीजेपी वाले काम नहीं आने वाले, नहीं, ये जितनी बीजेपी वाले महिलाएं हैं मिलती होंगी पास पड़ोस में, और इसमें रिश्तेदारियों में भी बहुत है बीजेपी वाली, सबको बोल देना तुम्हारी बिजली फ्री कर दी, तुम्हारा बस का किराया फ्री कर दिया, अब 1000-1000 रुपए दे रहा है। बीजेपी वालों ने क्या दिया? कुछ दिया बीजेपी वालों ने? कुछ दिया बीजेपी? कुछ नहीं दिया। तो क्यों बीजेपी के पीछे पड़ी है? उनको बोलो कि इस बार केजरीवाल को वोट दो। तो एक तो सबको बोलना है कि वोट डालने, सारी महिलाएं वोट डालने जरूर जाएंगी, सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के पूजा करके वोट डालने जानी है पक्की, ठीक है। कोशिश करना 9 बजे तक वोट डालाओ सारे जने। वोट डालने जब जाओगे, जब झाड़ू का बटन दबाओगे, आंख बंद करना, भगवान का नाम लेना, अपने भाई को आशीर्वाद देना और बटन दबा देना, ठीक है। दूसरा काम, अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा, बोलो अपने सर की कसम खिला देना सबको, बोलो सर की कसम है मेरे पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है, करोगे कि नहीं करोगे? जितनी बेटियां हैं अपने अपने पिताजी को अपने अपने भाइयों को सर की कसम खिलानी पड़ेगी, तो अपने घर वालों को कसम खिलानी है। और तीसरी चीज, अपने मोहल्ले में अपनी गली में घर घर जाके प्रचार करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अगर पैसा कमाता भ्रष्टाचार करता तो आपके लिए बस का किराया मुफ्त नहीं कर सकता था, आपको 1000-1000 रुपए नहीं दे सकता था। ये सरकार का पैसा बचा बचा के मैंने आपको बांट दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको चुनाव लड़ना है, ये वाला ये पूरा का पूरा चुनाव आपके जिम्मे है, मंजूर है। अब 1-1.5 महीना है, हमारे हाथ सशक्त करो। आप लोग देख रहे हो मैं कैसे लड़ रहा हूं इन लोगों के साथ, रोज ये हर काम रोक देते हैं। अगर ये सातों सीट हमारे पास आ गई तो संसद के अंदर भी मेरे हाथ मजबूत होंगे, फिर LG कोई काम नहीं रोक पाएगा, बीजेपी कोई काम नहीं रोक पाएगी, केंद्र सरकार कोई काम नहीं रोक पाएगी। फिर अगर काम रोकेंगे तो ये सातों के सातों जाके उनसे लड़ेंगे और काम करवा के लाएंगे।